नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बरनाला में दिन दिहाड़े पिस्तौल की नोक पर हुई लूट घटना सीसीटीवी में हुई कैद। अमृतसर के छरटा में दहेज की बलि चढ़ी एक और विवाहिता। माइका परिवार ने ससुर परिवार पर तेजाब पिलाकर मारने के लगाए आरोप। अमृतसर के थाना सदर की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों पर दो आरोपियों को किया काबू। 65 ग्राम हेरोइन की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। बरनाला में दिन दिहाड़े पिस्तौल की नोक पर लूट का मामला सामने आया है, जिसमें बरनाला शहर के गीता भवन मंदिर के पास गोयल ब्रदर नामक एक कॉस्मेटिक की दुकान है, जिसमें दिन दिहाड़े एक व्यक्ति मुंह ढककर दुकान में दाखिल हुआ, जिसके पास एक पिस्तौल भी थी। उक्त व्यक्ति ने पिस्तौल दिखाकर गोली चलाने की धमकी देकर दुकान में रखे पैसे देने की मांग की और दुकान पर बैठी दुकान मालिक की पत्नी ने पैसों की मांग की, जिसके बाद दुकान मालकिन ने दुकान में रखे पैसे लुटेरों को दे दिए, जिसके बाद लुटेरे मौके से फरार हो गए। वहीं ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आरोपियों की दो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पहली सीसीटीवी फुटेज दुकान के अंदर की है, जिसमें आरोपी हाथ में पिस्तौल लेकर दुकान मालकिन को धमका रहा है, और दूसरी फुटेज में आरोपी एक बाइक पर सवार होकर जा रहा है। तो वहीं व्यापार मंडल के प्रधान अनिल बांसल ने इस घटना पर रोष व्यक्त करते हुए पुलिस से आरोपियों को जल्द काबू करने की मांग की है। तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी बलविंदर सिंह ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। बरनाला से हलचल के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। कहने वाली तो कोई गल नहीं, सबके सामने साफ ही है, जाहरी है गल भी दिने दिन दिहाड़े शहरेआम डकैतियां हो रही ने, शहरेआम लुटा खसुटा हो रही ने, कोई किसी का कोई कंट्रोल नहीं। दिन दिहाड़े लुटा खसुटा शहरेआम पिस्तौल की नोक ना डकैती हुई है। दिन दिहाड़े कला ही बंदे की देखो जरूरत, दुकान के चार जने ने, एक मुलाजम अंदर बैठा है, दो लेडीज मुलाजम पौड़ियों बैठिया ने, तो मालकन ये सीट पर बैठी है। कला बंदा शहरेआम आके दुकान से पिस्तौल दिखा के गन पॉइंट से मतलब 10 मिनट वह बंदा दुकान के अंदर रहा है, तो कोई उन्हू किसी का भय डर नहीं है। तो उस तरीके उन्हें लुट खसुट की, सारी वीडियो सब के सामने है। तो बहसदा रहा लेडीज नाल, उन्हें मोबाइल में हथ लाया, मोबाइल खोलिया, फिर मुंडा अंदरों मुलाजम उठ के आ गया, उन्होंने भी कहता काका बिचना नहीं, मैंने गोली चलानी पऊ, मजबूरन साइड से रह। फिर लेडीज बोड़िया च उतर के आई, फिर नहीं परवाह मनी लेडीज जी मालिक से, उन्हें कहा भी मेरे को पैसे नहीं है, मैं घरों लियानी है, कहता बंद पैसे कड़ देने, मैं गोली मार दूंगा। तो मतलब के इन्ना मतलब के उन्होंने कोई किसी का डर भय नहीं सी, मतलब के दहशत के नाल पूरी गुंडागर्दी, कला बंदा हो के मतलब के उन्हें किसी गल की परवाह नहीं की, जिनी देर उन्हें गले चो पैसे नहीं ले, मतलब के उत्थों हिलया नहीं, चाहे मिन 2-4-5 मिनट होर भी लग जाते, फिर भी उन्हें परवाह नहीं की। रात ही इसे नाल ही 10 गाना चढ़ के 40 फुटी गली से 4 बंद ने एक लेडी की चैन लाई, लुट खसुट की, हूँ आह वारदात। तो हूँ इतने ये नहीं पता भी घंटे इतने नेड़े तेड़े कोई होर वारद हो दात हो जाए, किसी की कोई गरंटी नहीं, सारा इतने सिस्टम फेल है। तो गल् 0% गल्ला जी भगवंत मान सरकार करती है, फेल है। गल लुट का मसला नहीं, गल पैसे 10-12 हज़ार से, इतने जो 10 करोड़ हों, 10 लाख हों, उन्होंने लै जाना सी, जे कि ना देंदे, जो लेडीज को पता सी मान लो पैसे थोड़े ने, जो उन्होंने पता होंगे मेरे को लखा करोड़ रुपये ने, जो 10 लाख रुपये उन्हें देना नहीं सी, उन्हें गोली मार देनी सी। यह जी अपनी बसाती की गारमेंट की होलसेल की दुकान है, गोयल ब्रदर का नाँ है, ये मालक ने लक्की लक्की जी गोयल, ये अपने गीता भवन के कोले पैंदी है, मतलब पूरा यह शहर का क्रीम एरिया है, जिथे आले दुआले दुकाना ने, 24 घंटे इतने मतलब के लोग लंघते टपते हैं, गीता भवन मंदिर है नेड़े 20 टोटल है, तो हर मतलब के इतने मतलब के शहर का पूरा वो है। जे इतने अजिंह लुट्टा खसुटा होनी है तो भगवंत मान को कह देना चाहिए भी मेरे हाथ खड़े ने, भी लोगों पंजाब छोड़ दो, जिते जाना जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। पुलिस वालों ना पुलिस आ गई लगे हुए, डिप्टी साहब भी आए थे, हूँ आपका जिन्ने के जोगा उन्होंने को सिस्टम हैगा लगे हुए ने कर, पहला भी यह कोई गल्ला बातें जो हुई हैं, पुलिस ने चलो सहयोग दिता जिहा, पुलिस को सिस्टम है, अदरवाइज सरकार पूरी तरह फेल है। मेरा नाम जी अश्विनी कुमार है,
ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਇਲ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਇੱਥੇ 3:05 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਸੀ ਨਕਲੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਦੇ ਦਿਉ ਮੈਂ ਮਗਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੇਰ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰੌਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰੇ ਹਾਂਜੀ ਖਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੋਹ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਗੋਇਲ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਦਰਾਜ 'ਚ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜੀ ਨੇ ਡਿੰਪਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕੱਢ ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਛੇਹਰਟਾ ਮੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਹਾਂ 22 ਵਰਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਹੇਜ ਕੀ ਬਲੀ ਚੜ ਗਈ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦਸਯੋ ਨੇ ਸਸੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਲਾ ਕਰ ਉਨਕੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੇ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਹੇਜ ਕੋ ਲੈ ਕਰ ਉਨਕੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਥਾ ਤੋ ਵਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਕੇ ਬਿਆਨੋ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਪਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਨਦ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲੀ ਸਾਸ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਥਾਣਾ ਛੇਹਰਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਆਰੋਪੀਓ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਐਵਨਿਊ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਭਾਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 16/8/2021 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਆਇਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆ ਲੜਕੇ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਨਨਾਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ 2 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਪਿਓ ਸਰਦਾਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ 3 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਲੜਕੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀਤਲ ਵਾਈਫ ਆਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਐਵੀਨਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਟ ਇਹਦੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜੇ ਸੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਹੈ ਨਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕਰਦੇ
अमृतसर पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह के दिशा निर्देशों पर नशा तस्करों और लूटपाट करने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत थाना सदर की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी कर दो नौजवानों को 65 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान मेहर सिंह और हरप्रीत सिंह के तौर पर हुई है, जिसमें मेहर सिंह के पास से 15 ग्राम और हरप्रीत सिंह के पास से 50 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी मेहर सिंह के खिलाफ पहले भी 5 के करीब स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं और वह इन केसों में भगोड़ा चल रहा था। फिलहाल दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पंजाब सरकार माननीय सीएम पंजाब, माननीय डीजीपी पंजाब, माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस अमृतसर श्री नौनिहाल सिंह जी दी हदायतों के मुताबिक जिमें कि पंजाब दे विच नशियां दे खिलाफ असी मुहिम वड्डी हुई है, जिस मुहिम के तहत असी रोजाना तौर पर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, अवेयरनैस कैंप्स लगाए जा रहे हैं। इस तो अलावा जिहड़े नशे दे आदी ने उन्होंने ड्रग डिटेक्शन सेंटर विच जमा करवाने लई प्रेरित कर रहे हैं। इस तो अलावा जिहड़े नशा वेचण दा काम करदे ने उन्हां दे खिलाफ साडे वल्लों मौके ते सर्च ऑपरेशन जां इनफॉर्मेशन मुख बरखास्त दी इतलाह ते अलग अलग नाकाबंदी कीती जांदी है, जिस दे तहत अमृतसर कमिश्नर दे थाणा सदर विखे दो अलग अलग, एक असी फतेहगढ़ चूड़ियां रोड विखे ते दूसरा बटाला रोड ते असी इंटेंस नाकाबंदी कीती होई सी, जिस नाकाबंदी के दौरान दो नौजवान अलग अलग, जो पहला मेहर सिंह जो कि नंगली भट्ठा फतेहगढ़ चूड़ियां का रहने वाला वा, इस कोलों असी ड्यूरिंग नाकाबंदी 15 ग्राम हेरोइन रिकवर की है। इस तो अलावा दूसरा जो दोषी है हरप्रीत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह जो कि पिंड रत्तो के थाना चोला साहब तरन तारण का रहने वाला वा, इसनों बटाला रोड से नाकाबंदी के दौरान इस कोलों 50 ग्राम हेरोइन रिकवर की है, जिस तो बाद दोनों के खिलाफ असी अलग अलग मुकदमे दर्ज किए अधीन धारा सैक्शन 21 NDPS एक्ट। सो इन दोनों जो पहला दोषी आ मेहर सिंह इस दे खिलाफ पहला 5 स्नैचिंग के मुकदमे भी दर्ज ने, ते पंजां दे विच भगौड़ा सीगा। सो यह जो इसकी पुछगिछ दे विच आया वा इन मुकदमे दे विच भी इन्हूं अरैसट पाई जाऊगी। दूसरा यह इस तरीके नाल जेल दे विच भी फिंका का काम भी करता, जिस दे तहत जेल दे विच नशा सिटना मोबाइल सिटना, सो इसकी पुछगिछ ते एक जेल दे विचों मोबाइल फोन भी बरामद होया वा, जिसका अलग परचा थाना इस्लामाबाद विखे दर्ज किया गया वा। सो हुण तक इन्हां दोनों की पुछगिछ जारी है, अगे इन्हां दे फॉरवर्ड ते बैकवर्ड लिंकेजेस भी ट्रेस किए जा रहे हैं ताकि अगर इन्हां दा होर लिंक जिथों नशा लैके आउंदे ने या जिन्हां नूं अगे वेचदे ने उन्हां दी डुंगाई दे विच तफतीश करके उन्हां नूं भी नॉमिनेट किया जाऊगा, तो उन्हां कोलों सानूं होर भी रिकवरी होने की पूरी उम्मीद है। सर जो दूजा दोषी है उत्ते कोई पहला मुकदमा भी असी इसका जिमें कि रत्तो के पिंड का वा चोला साहब का रहने वाला, सो इस असी जो रैशी थाना वा उतों असी ड्यूरिंग तफतीश हूँ इन्हों का रिमांड लवेंगे अज्ज। सो रिमांड लैके अगलेरी पुछगिछ के उतों भी असी पता करा इस खिलाफ होर किन्ने मुकदमे दर्ज ने, उस तो बाद ही असी कन्फर्म करके तुम दस सकते। अमृतसर में गत दिनों एक नौजवान से मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके चलते थाना सदर की पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को काबू किया गया है, जबकि उनके 2 साथी अभी फरार हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी वरिंदर खोसा ने बताया कि गत दिनों लड़के के साथ मारपीट वाली वीडियो में 3 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहित वालिया, पवन अरोड़ा और रीटा वालिया के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि इनकी आपसी रंजिश के चलते एक दूसरे की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के चलते विवाद चल रहा था। उन्होंने कहा कि फिलहाल पकड़े गए 3 आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर कमिश्नर दे थाना सदर विखे परसों 21 तरीक नूं सानूं वैभव पुत्र पवन कुमार जो कि बटाला रोड का रहने वाला, इन्हां वल्लों एक सानूं शिकायत मिली सी ते एक सोशल मीडिया ते काफ़ी वायरल हुंदी वीडियो भी मिली सी, जिस विच कुछ अणपछाते नौजवान एक नौजवान नूं घरे विहड़े विच लटा के काफ़ी लत्तां ठुड्डा मार के उस तो अलावा बैल्ट नाल कुटमार कर रहे ने, ते उस चीज़ की वीडियो उन्होंने अपने अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स ते इंस्टाग्राम ते फेसबुक ते स्नैपचैट ते वायरल की सी। जिस तो बाद जदों ये मदई मुकदमा साढ़े को आया इसने बयान लिखाया
कि 19 तरीक नूं ओह काम तों वापस आ रहा सी तां जदों ब्राइट डे पब्लिक स्कूल कोल उत्थे खड़ा सी तां उस कोल उसदे ही जानकार मोहित वालिया, प्रणव अरोड़ा, रितिक वालिया ते राघव शर्मा आए, जिन्हां ने उसनूं एबडक्ट करके उसनूं अगवा करके अपनी एक्टिवा दे विचाले बिठा के उसनूं घरे लै गए। घरे जा के उन्होंने अपनी मदर दे नाल रल के इसकी पहला तो कुटमार की बहुत ही बुरे तरीके नाल, जिस दियां वीडियोज़ काफ़ी वायरल हुई ने। उस तो बाद उसनूं मजबूर किया बई तुसीं वालिए तो माफ़ी मंगो, ये करो। इस तो बाद उन्होंने वीडियोज़ अपने अपने चैनल्स से अपने अपने अकाउंट्स से पा के वायरल की, जिस तो बाद असीं तुरंत उसकी इनफॉर्मेशन से कार्रवाई करते हुए एक FIR 268 नंबर दर्ज की सी, अधीन धारा 323 324, इस तो अलावा 365 379 506 148 49। सो जदों असीं क्योंकि बड़े बेरहमी नाल इसकी कुटमार हुई सी, इस तो बाद पुलिस ने तुरंत हरकत विच आउंदे हुए जो पांच दोषी बाई नेम इहदे विच मुकदमे विच सन उन्हां विचों तीन दोषियों नूं अरैसट कर लिया वा, जिस विच मोहित वालिया, प्रणव अरोड़ा ते रीटा वालिया। सो इन्हां तिन्नां नूं अरैसट करके असीं कोर्ट विच पेश कर रहे हैं ते बाकी जो दोनों दोषी आ उन्हां नूं हजे भाल जारी है। सर क्यों कुटमार कीती इन्हां की? ये हुण तक दी जो तफ्तीश दे विच आया कि इस तो पहला जो ये मदई आ वैभव, इसने भी कोशिश की सी कि इन्हां दे विचों दूसरी धिर वल्लों उन्हों किसी जगह पर कुटमार करन दी कोशिश की सी, पर उतों फरार हो गया सी। जिस तो बाद उसने भी इन्हां दे खिलाफ़ वीडियोज़ अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स ते पाईआं सन, जिस दी रंजिश रखते हुए इन्होंने पूरी प्लैनिंग करके एक प्लैनिंग के तहत इसनों पहला अगवा किया, अगवा करके अपने घर लै गए ते घरे जा के इसनों कन्फाइन करके इसकी कुटमार की। लेडीज़ दा की रोल है सर? जो इस दे बयान दे विच आया भी लेडीज़ का रोल, एक तो कि उसने भी इस दे चपेड़ा मारिया ने ते वीडियोग्राफी की है सारे जो इंसीडेंट होया। सर जिहड़े बाकी होर नौजवान नज़र आ रहे हैं वो बाकियों नूं भी असीं वीडियोग्राफी दे बेसिस ते अगर कोई इन्हां पंजां चों रह गया उन्हां नूं भी असीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन्होंने नॉमीनेट किया जाऊगा ते बाकी जो दोषी रहिंदे ने उन्हां नूं भी बहुत जल्दी अरैसट करके अदालत पेश करांगे। कोशिश की करिए, बट इन्हों का आपस मतलब सोशल मीडिया ऑनलाइन रंजिश है इन्होंने आपस नहीं, रंजिश कोई नहीं आपस उल्टियां सीधियां एक दूजे के खिलाफ वीडियो सिखाते हैं। बिल्कुल जी, वीडियो पाना भी एक तरीके नाल क्राइम है। दूसरा किसी बंदे नूं तुसीं अबडक्ट करके शरेआम दिन दिहाड़े उसनूं अपने घर कन्फाइन किया वा, उस तो बाद इन्नी बेरहमी नाल उसकी कुटमार करके वीडियोज़ नूं ऑनलाइन वायरल किया, सो ये सब क्राइम है। सर अगे की कार्रवाई की जाएगी? बस जी जो दोषी रहिंदे ने उन्हां नूं भी अरैसट किया जाऊगा, जे होर कोई वीडियो तो आइडेंटीफाई बंदा हुंदा उसनूं भी आइडेंटीफाई करके इस विच नॉमिनेट कर देंगे। इस दे विच दो होर जणे ने जी, तीन अरैसट कर चुके हैं, दो दोषी हजे अरैसट करने बाकी ने। कितनी धारा लगियां ने इस दे विच? 323, 324, 365, 379, 506, 148 नंजा लगी है जी। ठीक है, मैं सारी पब्लिक नूं भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया एक तरीके ने इहो जिहा प्लेटफॉर्म आ जिथे आपां बहुत चंगे काम भी कर सकते हैं, बट सोशल मीडिया की दुरवरतों जो तक सामने आती है कि बड़े IT एक्ट के बड़े कानून बने हुए हैं, प्राइवेसी नॉर्म्स बड़े लोगों के होंगे ने, सो सोशल मीडिया की यह जी दुरवरतों सानू नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर किसी की कोई किसी ना कोई रंजिश है, कोई माड़ा करता तो तुरंत पुलिस को इनफॉर्म करो। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने शहर में चल रहे सफाई अभियानों का जायजा लेते हुए कहा कि राज्य के शहरों में सफाई व्यवस्था को और अधिक पुख्ता बनाया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरों को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाना पंजाब सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए नगर निगमों और परिषदों को मशीनरी आदि के लिए फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कूड़े के ढेर की समस्या को खत्म करने के लिए और अधिक कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे ताकि शहरों को कूड़े के ढेर से मुक्ति मिल सके। इस मौके पर निगम कमिश्नर ऋषिपाल सिंह, एडिशनल कमिश्नर नगर निगम शिखा भगत, ज्वाइंट कमिश्नर पुनीत शर्मा और नगर निगम जालंधर के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। देखो मैं काफ़ी दिनों तो जिहड़ा सी पूरे पंजाब के अंदर जिहड़ा घूम रहा और देख रहा कि जलंधर च भी काफ़ी सफाई की प्रॉब्लम सी। ईवन मैं वर्कर्स तो लैके सैनिटरी इंस्पैक्टर चाहे सुपरवाइजर लैवल पर और साढ़े एक्शन STO चाहे कोई माली सीगा हर बंदे आम मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि असी शहर जिहड़ा वधिया बना सके और लोगों तो
भी सहयोग की मंग की है कि शहर खास करके डस्ट वगैरह जरा थ्रो कर देंगे गड्डी जाता कोई किसी तरीके उन्होंने कंट्रोल किया जाए क्योंकि हर बंदा यदा नागरिक जो जिम्मेवार है तो साड़ी तो ड्यूटी असं तो निभा रहे हैं और इस तो अलावा असी जे शहर के अंदर गंदगी के ढेर च पे हुए इन्हों असी बड़े अग्रैसिव तरीके जद्दोजहद करके जोड़े सारे कमिश्नर साहब लगे हुए असी चुका रहे हैं। लगता काफ़ी शिकायत मिली हुई नगर निगम दी ही रात दे तो इत्थे बैठे हुए देखो अपना शहर हैगा लोग फीडबैक तो देंगे है तो जिहड़ा अधिकारियों भी मैं सख्त ताड़ना की है कि जे अदर कोई कोई किसी ने कोई नगलीजेंसी पाई कि मैं उसके खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा और सारे कर भी रहे रात के सारे पब्बा भर होए आ कोई ऐसी गल नहीं करनगे सारे ये ऑफिसर जिहड़े आ इन्होंने ही करना गा और सारे साढ़े जिन्हें मीटिंग यूनियनस दे नाल भी कीती वह भी सानू सहयोग देंगे। तुसीं डंपां की गल की है सफाई के जिहड़े डंप है बत्तर होए पे आ डेफिनेटली बत्तर होणगे जां घट वध होणगे किन्ने भी हैगे आ सारे सफाई करांगे जी साडी ड्यूटी बनदी जिम्मेवारी। जे गल करिए पंजाब सरकार ने जो सत्ता च आई सी ये कहा गया सी लोगों को पीने वाला पानी साफ दिता जाएगा सड़क साफ सुथरिया हो रही और साफ सुथरा जलंधर देंगे तुहानू लगता साफ सुथरा जलंधर है? देखो जे तुसी सरकार की गल करते हो ना जी तो सरकारां ते पहलों बड़िया आई इत्थे कांग्रेस आई कई दूजिया रवायती पार्टियां आईया उन्होंने की किया अज तक असी तो फिर भी 40% 50% 60% काम कर रहे हैं और जिहड़ा कर रहे हैं जो असी दिनों तन मन दे नाल कर रहे हैं कि असी तगड़े हो गए मान साहब कल 3000 बंदे नौजवानों रुजगार इतने पासगढ़ करके गए 40,000 तो करीब उपर भर्ती हो गई है और मैं भी ता ही इस करके बैठा कि भाई जे असी वादा किया असी लोगों असी वेखो कोशिश पूरी सिर तोड़ जतन करना हार्ट रेट दिलों करना क्योंकि साढ़े मुख्यमंत्री साहब की दायित्व है भी दिलों जाके लोगों की सेवा करो काम करो और करना है लोगों ने उन्होंने वादे किए किसी ने किए नहीं किए दूजिया पार्टियां ने पर लेकिन जो असी वादा किया साढ़े मुख्यमंत्री साहब ने असी उत्ते दृढ़ हैं असी लोगों की सेवा करनी पानी भी सब ठीक आएगा ये सिर्फ तो सिर्फ ये की है इन रवायती पार्टियां ने किया कख नहीं मैनेजमेंट की कमी असं कर रहे उस चीज़ को सैटल डाउन कर रहे हैं। तुहाडे वल्लों जिहड़े डंप हैगे किहड़े बंद कराए जा रहे हैं? बंद कराने वाली तो असी एक जिन्हें भी डंप चलते हैं ना जी उन्हों का सारा एग्जामिन करेंगे फिर जरिया देखेंगे फिर इन्ना कहना पॉसीबल नहीं है कि आ डंप मैं बंद करा रहा लेकिन असी प्रैक्टिकली काम करते हैं कि इहदा अल्टरनेटिव की है जिहदे नाल सानू किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम आवे क्योंकि गंदगी है शहर के बीमारी फैलेगी तो आलमोस्ट जिथे जिथे ज़्यादा गंद तो पहले प्रायोरिटी कर रहे जी। गल करिए जिथे आप कारपोरेशन के दफ्तर खड़े हैं कारपोरेशन के दफ्तर नाल ही पार्क है बत्तर हाल है जी टैलों तक टुटिया हुई का इन्ना ये भी ठीक कारण है जी इसी यही देख रहा मैं सारा कुछ होर की हिदायत दी जा रही बहुत हिदायत इन्हों सारा क्या कि सेवा करो लोगों की जनता की अपील मैं भी करता कि जनता भी सानू सहयोग देवे तो साढ़े साथी भी तगड़े काम। बलकार जी मेरे दो क्वेश्चन है कई सड़क इदा दी है कई बार उन्होंने उद्घाटन हो चुके हैं मगर हले भी बत्तर है साड़ी सरकार वाले ने जी असी तो करके देंगे सारा कुछ। जालंधर के कपूरथला चौक में गत रात्रि एक कार को ट्रक की साइड लग जाने के कारण भारी हंगामा हो गया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार सवार नौजवानों द्वारा ट्रक चालक के साथ साथ उनके साथ भी मारपीट की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस भी कार वालों की ही बात सुन रही है तो वहीं ट्रक चालक ने भी कहा कि कार चालक ने उसकी बुरी तरह से पिटाई की है इसलिए उन्होंने पुलिस से इंसाफ की मांग की है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने माहौल को शांत करवाया और दोनों पक्षों को थाना ले गई। तो वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि उनके द्वारा मामले की जांच की जा रही है जिसके बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने 28 सितंबर को आयोजित होने वाले श्री सिद्ध बाबा सोडल मेले की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को मेले से संबंधित सभी आवश्यक प्रबंध समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान मंदिर परिसर में पहुंचकर प्रबंधों का जायजा लेने के बाद कैबिनेट मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को मेले में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखने को कहा ताकि मेले के दौरान श्री सिद्ध बाबा सोडल मेले में माथा टेकने के लिए श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने जालंधर नगर निगम के अधिकारियों को मेले के दौरान मंदिर के आसपास सफाई सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी तैनात करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि कूड़े कचरे के लिए नियमित रूप से कूड़ेदान रखे जाएं तथा कूड़ा उठाने के लिए कर्मचारी तैनात किए जाएं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने श्री
सिद्ध बाबा सोडल मंदिर में माथा टेक कर बाबा सोडल जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और सरबत के भले की अरदास की। इस अवसर पर चड्डा बिरादरी के प्रधान विपन चड्डा बब्बी, ट्रस्ट के महासचिव सुरेंद्र चड्डा, यशपाल ठाकुर, राजेंद्र प्रभाकर, आप नेता दिनेश ढल, बंटी अरोड़ा की ओर से कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह को चुनरी देकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बड़ी खुशी हुई है कि आप हर साल मैं अक्सर कभी ना कभी जो एज ए ऑफिसर हों इतने मैं सिद्ध बाबा सोडल जी के मेले के उत्ते जो सालाना मनाया जाता है मैं हमेशा ही सेवा के रूप आता सी एज ए पुलिस अफसर। अज साहब पवन सिंह मान सीएम पंजाब जिन्हां ने बहुत वड्डा सानू एक मान दिता है, एक प्यार दिता है कि उन्होंने कैबिनेट दे विच मैनूं शामिल किया ते अज मैं साहब पवन सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब उन्हां दी कैबिनेट दा साथी होण दे नाते अज मैं सिद्ध बाबा सोडल जी दे दर्शनां वास्ते हाज़र होया। इस दे नाल नाल मैं अज मेरे मन च श्रद्धा सी मैं सवेर तों कमिश्नर जिहड़ा कारपोरेशन सी इहनां नूं कर रिहा सीगा और कमेटी के मैंबरां नाल भी तालमेल कर रहा सीगा कि सफाइया वगैरह तो हर चीज़ा इतने को मुहैया कराइया जाए ताकि कोई भौल ना हो। और जो इन्हों पुछा तो दस इन्होंने कि हर चीज़ इतने ठीक है, अदरवाइज़ फिर भी मैं जायजा भी लिया हर चीज़ का कि कोई मुश्किल ना हो। और कमेटी मैं रिक्वेस्ट करना भी कोई प्रॉब्लम हो फिर भी असं इन्हों की सेवा दे हाजिर हैं सरकार वालों। मैक्सिमम जिहड़ा कमिश्नर साहब साढ़े बैठे हैगे मैक्सिमम असीं जिहड़ा अपने कारपोरेशन के मुलाजमां नूं अज ही हदायतां कीतियां कि वह सफाई सेवक की गल तुसीं कर रहे है उहदे विच अहीं मीटिंग्स कीतियां कम जिहड़ियां साडियां जथेबंदियां सी जां उहनां दे सुपरवाइजर सीगे और जो सेंट्री इंस्पैक्टर से मैं बड़े डाउन टू अर्थ उन्होंने सारे ना गल की है कि सिद्ध बाबा सोडल जी का मेला तो स्पैशली सफाई हो तो सारा बंदोबस्त वधिया हो। कल सफाई कर्मचारियों ने साड़ी गलबात हुई थी वो कहते साढ़े को समान भी है नहीं उस तो कमिश्नर साहब की हिदायत उन्होंने समान मिले ये नहीं चाहिए कि समान पहले मुहैया करवा किसी वेले को कम्युनिकेशन गायब हो जाता अदरवाइज वेखो एना गुरु महाराज का घर है इतने इतने तो वैसे ही कोई कमी नहीं जी असं तो सेवादार हैं। इनफैक्ट पिछले एक महीने तो अं लगातार तैयारी कर रहे हैं साढ़े सारे सीनियर ऑफिसर वालों बार बार जायजा लिया जा रहा है। मिस्टर पनीत शर्मा जो कि कहते हैं जॉइंट कमिश्नर वो लगातार इतने विजिट कर रहे हैं। इस तो अलावा साढ़े सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सैनिटरी इंस्पैक्टर डॉक्टर श्री जो कि सफाई से शाखा के प्रधान मतलब ही इज हैडिंग दैट वो उन्होंने वालों सारा कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। और जो गल करिए कि कर्मचारी इतने तैनात किए जाएंगे सिर्फ बाबा सोडल के मेले में लैके मेरे वालों हदायत की गई कि जिनी भी जरूरत हो कर्मचारी तैनात किए जान एज पर द यू नो रिक्वायरमेंट। जालंधर के एक निजी होटल में नीमा जालंधर की मासिक संगोष्ठी का आयोजन डॉक्टर सतबीर सिंह की अध्यक्षता में किया गया जिसमें किडनी रोगों के प्रसिद्ध डॉक्टर हरमीत रियात मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी जी का पूजन किया गया जिसके बाद सचिव डॉक्टर नीरज कालरा ने आए हुए नीमा सदस्यों का स्वागत किया। डॉक्टर हरमीत ने बताया कि आजकल गलत खाना पीना और गलत रहन सहन के कारण हाई बीपी की बीमारी विकराल रूप धारण कर रही है। समय से उपचार और पूर्ण जागरूकता से ही इस रोग और इसकी विकृतियों से बचा जा सकता है और एक स्वस्थ समाज की स्थापना की जा सकती है। इस दौरान मुख्य वक्ता को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन डॉक्टर नीरज कालरा ने बहुत खूबी से किया। अंत में प्रधान डॉक्टर सतबीर ने सभी सदस्यों का धन्यवाद किया और राष्ट्रीय गान के साथ मीटिंग का समापन हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर परमिंदर बजाज, डॉक्टर संजीव धवन, डॉक्टर के एस राणा, डॉक्टर सी एस गांधी, डॉक्टर भजन कपूर, डॉक्टर एस पी डालिया, डॉक्टर एस के आनंद, डॉक्टर दिनेश गुप्ता, डॉक्टर सरबजीत सिंह, डॉक्टर आई पी एस सेठी, डॉक्टर आशु चोपड़ा, डॉक्टर श्रीधर, डॉक्टर एच एस सौंधी, डॉक्टर तिलक गुप्ता, डॉक्टर अविनाश गुप्ता, डॉक्टर सुनीता नागरथ, डॉक्टर सुगंधा भाटिया, डॉक्टर सुनीता यादव, डॉक्टर दिव्या गुप्ता के अलावा डीएवी कॉलेज के फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट। आज नीमा जालंधर वालों जनरल हाउस मीटिंग की गई। हर महीने नैशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसीएशन जालंधर वालों
एक CME एक जनरल हाउस आयोजित की जाती है। अज के साडे स्पैशल गैसट साडे स्पीकर डॉक्टर हरमीत रियात जेडे कि किडनी के रोगों के माहिर हैं मैडम आए और उन्होंने साडे जनरल फिजिशियंस नो बहुत अच्छे तरीके जागरूक किया। उन्होंने दसिया उन्हों का अज का जो मेन टॉपिक सी कि हाइपर टेंशन के जेडे पेशेंट्स हैं जो साडे कोल आउंदे हैं असी साडी अप्रोच की होनी चाहिए है। जेडे भी पेशेंट्स न्यूली डायग्नोस्ड होंदे हैं जनरल प्रैक्टिशनर्स कोल पहला आते हैं फैमिली डॉक्टर्स कोल पहला आते हैं इन्होंने सानू बखूबी दसिया कि जदों तुसी न्यूली डायग्नोस्ड पेशेंट नवां नवां मरीज जदों तुसी देखदे हो कि इहनूं BP है उहनूं किवें तुसी उहनूं अप्रोच करना तुसी किहड़ी मैडिसन उहदी स्टार्टिंग करनी क्योंकि इही बहुत एक ऐसी स्टेज होंदी है कि जदों तुसी उह मैडिसन स्टार्ट करदे हो हर चीज़ का ख्याल रखते हुए किडनी का ख्याल रखते हुए हर ऑर्गन का ख्याल रखते हुए जदों असी उह एक बहुत अच्छा सिलेक्टिव नेचर दे नाल मैडिसन स्टार्ट करते हाँ तो उहदे नाल हार्ट और ईवन मरीज की लाइफ लंबी होंदी है। किडनी का ख्याल रखद हो किमें असी हाइपरटेंसिव मेशन का अप्रोच रखनी है साढ़े जनरल प्रैक्टिशनर्स बहुत ही बखूबी तरीके इन्होंने दसिया। वी आर प्राउड ऑफ हर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं वी आर रियली प्राउड ऑफ हर एंड अज की बहुत अच्छी जी मीटिंग प्रेजेंस भी बहुत अच्छी रही। मैं थैंकफुल हाँ सारे का साढ़े नीमा के जोड़े सीनियरस हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिता ए डॉक्टर नागरथ डॉक्टर बजाज ने साड़ी एक MBS स्कीम बारे दसिया साढ़े पिछले दिन ही CC मीटिंग हुई वो बारे सानू जागरूक किया अटेंडेंस बहुत वधिया रही तो आई एम रियली थैंकफुल टू द पीपल ऑफ द प्रेस जेडे हमेशा सानू बहुत सपोर्ट करते हैं साड़ी इवेंट्स नू कवर करते हैं। आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर हरमीत रियात थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल जी मैं डॉक्टर हरमीत रियात किडनी स्पैशलिस्ट तमन्ना किडनी केयर जोशी हॉस्पिटल विखे। अज की नीमा दे नाल मीटिंग विच साडा मेन कारण सीगा कि किद्दां असी एक टीम की तरह पेशेंट की बेहतरी लिए काम कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर नू साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि ब्लड प्रेशर का पहला पहला पेशेंट नू पता नहीं लगता जदों तक वह स्पैशलिस्ट को पहुँचता है अक्सर वह हार्ट ते किडनीज़ ते असर हो चुका होंदा है। कई बार पेशेंट रिवर्सिबल स्टेज पर पहुँचता है कई बार वो स्टेज हो चुकी होंदी है जिथे असी ऑर्गन डैमेज नू वापस नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। अज की मीटिंग विच असी ये डिस्कस किया कि किद्दां पेशेंट प्राइमरी केयर फिजिशियन ते स्पैशलिस्ट तीनों एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। इहदा सब तो ज़्यादा फायदा पहला साडे पेशेंट नूं होगा क्योंकि पेशेंट कोई भी वड्डे हॉस्पिटल विच जाण तो डरदा आ कोई भी पेशेंट डे टू डे बेसिस ते वड्डे हॉस्पिटल से जाके ट्रीटमेंट अफोर्ड करना थोड़ा जिहा प्रैक्टिकली पॉसीबल नहीं हुंदा बट जे डॉक्टर्स आपस विच टीम की तरह काम करन पेशेंट की जिहड़ी इवैल्यूएशन आ पेशेंट की जाँच पड़ताल एक बार चंगी तरह होने तो बाद उहदा जिहड़ा रेगूलर फॉलोअप इलाज आ प्राइमरी केयर फिजिशियन की हैल्प नाल हो सकता है। इदा करन दे नाल असी पेशेंट की जिहड़ी क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट वह भी अच्छी रख सकते हैं इलाज का खर्चा भी घट रख सकते हैं तो कॉम्प्लीकेशनस तो पेशेंट नूं बचा सकते हैं। कुल मिला के इहदा फायदा सारी सोसाइटी नूं मिलेगा। सानूं यह चाहिए कि असी ब्लड प्रेशर नूं टाइमली तरीके नाल डायग्नोज करिए चंगी तरह ट्रीट करिए पेशेंट नूं बहुत दवाइयां ते बिना दवाइयां तो ब्लड प्रेशर नूं कंट्रोल किद्दां रखना इहदे बारे जागरूक करिए। थैंक यू। किडनी फेलियर दे कारण ज़्यादातर शुगर करके ब्लड प्रेशर करके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिहदा मतलब है कि गुर्दियां च सोजिश होने करके पेशाब च प्रोटीन लीक करना या कुछ पेन किलर दवाइयां या हैवी प्रोटीन सप्लीमेंट लेना कई बारी जमांदरू हुंदा है कई बारी जेनेटिक्स हुंदे आ कई बारी पथरियां करके गुर्दे कमजोर हो सकते हैं। सो जदों भी कोई पेशेंट आंदा है किडनी स्पैशलिस्ट का मेन काम हुंदा है कि पहला उन्हूं डिफाइन करना पेशेंट की कौन सी स्टेज आ ये रिवर्सिबल आ इहनूं आपां ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते या स्टेज के हिसाब न उस पेशेंट नूं नॉर्मल किद्दां रखना आ। बहुत वारी किडनी की प्रॉब्लम दे खास सिमटम नहीं होंदे हैगे कॉमन सिमटम हैगे जिद्दां पैरां दे विच सोजिश आना ब्लड प्रेशर वधना खून की कमी होण करके थकावट होना साह चढ़ना रात नूं लत्तां च दर्द होना पेशाब दे विच झग आना पेशाब दे विच ब्लड आना यह कॉमन सिमटम हैगे आ बट बहुत वारी यह देखिया गया कि पेशेंट नूं अर्ली स्टेज विच सिमटम ना होण करके अपनी प्रॉब्लम का नहीं पता हुंदा। बहुत वारी इदां हुंदा कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर हैगा बट उहदे किडनी टेस्ट नहीं किए जाते। किसी भी बंदे नूं जदों अचानक BP का पता लगता तो एक बारी सिंपल जिहा किडनी टेस्ट आ क्रिएटिनिन ते एक पेशाब का टेस्ट यूरिन रूटीन ये जरूर कर लेना चाहिए। जीवन आसरा ट्रस्ट की तरफ से इनोसेंट हार्ट्स आई सेंटर के डॉक्टर रोहन बोरी व अन्य डॉक्टरों की टीम के सहयोग से आँखों का फ्री चेकअप कैंप KG स्टील रोलिंग मिल्स रायो वाली
पठानकोट रोड में लगाया गया, जिसकी शुरुआत केजी स्टील रोलिंग मिल्स रायोवाली के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रितपाल सिंह चावला, रमनप्रीत सिंह चावला, मोहिंदर कौर चावला, गगनदीप कौर चावला, महरीत कौर चावला, बिरजोत सिंह चावला, नवजीत सिंह कोहली, श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता के कर कमलों से हुई। इससे पहले चावला परिवार ने जीवन कौर कृपाल सिंह चावला की तस्वीर के समक्ष प्रार्थना करते हुए अरदास की। इस दौरान डॉक्टर रोहन बोरी ने बताया कि इस कैंप में 300 से अधिक मरीजों की आंखों का चेकअप हुआ है और 28 सितंबर दिन वीरवार को कुछ मरीजों के सफेद मोतिया के ऑपरेशन कर दवाइयां तथा फ्री चश्मे दिए जाएंगे। केजी स्टील रोलिंग मिल्स रायोवली के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रितपाल सिंह चावला, रमनप्रीत सिंह चावला ने बताया कि मेडिकल कैंप के साथ साथ जीवन आसरा ट्रस्ट वातावरण समाज सेवी कार्यों के प्रति अपनी सेवाओं को समय समय पर करता रहता है ताकि जरूरतमंदों की सेवा हो सके। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। सत श्री अकाल जी, ये जिहड़ा कैंप हैगा ये जीवन आसरा ट्रस्ट वालों लगाया गया है। राजू चावला अंकल है साढ़े बहुत ही प्रेमी ने, ते रमन जिहड़ा उन्हां दा मुंडा है वह भी मेरा बहुत चंगा दोस्त है। इन्होंने अपने मदर फादर की याद में यह कैंप लाया है। तो इस कैंप में जो पिंड रौवाली लग्या है, सारी परमिशन लैन तो बाद असी ये कैंप लाया है संडे को, जोड़ा कि 10 बजे तो लैके 3 बजे तक का है। तो इस कैंप में असी पेशेंट्स को स्क्रीन कर रहे हैं, जिन्हों का चिट्टा मोतिया है उन्होंने चिट्टा मोतिया इन्हों वालों फ्री करवाया जा रहा है, जिस पर दवाइया का खर्चा, टेस्ट का खर्चा, तो नेड़े की ऐनक भी उन्होंने फ्री मिल रही है। तो जिहड़े मरीज़ जिन्हों सिर्फ नेड़े की ऐनक की जरूरत हैगी है उन्होंने भी फ्री ऐनक दित्तियां जा रही हैं इस कैंप में, तो जिन्होंने कोई दवाइया की भी लोड़ हैगी है उन्होंने भी दवाइया फ्री ऑफ कॉस्ट दित्तियां जा रही हैं। कदों तक ऑपरेशन होंगे और किन्ने मरीज होंगे? यह जो ऑपरेशन है चिट्टे मोतिए का, यह वीरवार को अज असी सारे पेशेंट्स को स्क्रीन कर लेना है। तो वीरवार जिहड़ा हुण आ रहा संडे है, 4 दिन बाद यह पेशेंट्स को टाइम दिता जाऊगा ऑपरेशन लई, जिस विच फ्री ऑपरेशन किया जाऊगा, लेंस पाया जाऊगा, पोस्ट ऑपरेटिव दवाइया दी जाएगियाँ, तो उन्हों का चैकअप भी सारा कुछ फ्री होगा। तो वीरवार को 10 बजे इन्हों वापस इसी फैक्टरी बुलाया गया है, इतों साड़ी हस्पताल की बस आऊगी जिन्हों लैके जाएंगे, लैके जा के ऑपरेशन करने तो बाद वापस ड्रॉप किया जाऊगा, तो अगले दिन फिर इन्हों का चैकअप किया जाऊगा। हॉस्पिटल वालों ये जो है इन्हों का टाइप होया है साडा इनोसेंट हार्ट आई सेंटर ना, जिहड़ा कि 73 उधम सिंह नगर में है। मैं आपके आप अच्छ बड़ा अपने भागी समझता हाँ कि जिस माँ बाप के घर से जन्म लिया उन्होंने सामू इस लाइव बनाया पढ़ाई लिखाई करके इस दौर तो पहुँचाया कि असं अच्छ अपना ख्याल रख सके, अपने परिवार का ख्याल रख सके, कुछ समाज से अपने परिवार के अलावा समाज की सेवा वास्ते लगा सके कोशिश की है। जीवन आस्था ट्रस्ट वालों अच्छ असं आई कैंप लगाया है। उम्मीद करना कि सारे रोगी ठीक हो के परमात्मा की कृपा ना इतों जान, सारे सानू आशीर्वाद दें, तो असं इसे तरह ही समाज की सेवा करते रहिए। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। नाम नवजीत सिंह कोहली, सत श्री अकाल सारू। राजू अंकल का बहुत वड्डा उपराला है कि जिहड़ा ये अगे भी सारे वर्कर्स सारिया का ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा मतलब हिस्सा लेंदे ने, तो बहुत ज़्यादा सोशल कॉज वैसे भी करते रहते हैं। इन्हों अपने मदर फादर की ब्लैसिंग्स का बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑलवेज रिगार्ड आशीर्वाद इन्हों सिर पर हमेशा बनया रहे। तो रमन चावला जी जो कि अपने फादर के नक्शे कदम से ही चलते हैं, तो उन्होंने अकॉर्डिंग ही सारे की सेवा भाव इन्होंने सारे परिवार में बहुत ज़्यादा है। गुरु जी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, वड्डिया का आशीर्वाद है, तो सारे इस चीज़ का बेनीफिट राजू अंकल रमन वीर जी तो मतलब उन्होंने ट्रस्ट तो जीवन आसरा तो मतलब बेनीफिट लैन। थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल। अज इस दिन 24 सितंबर दिन रविवार के दिन दोबारा लॉक कर दें। सत श्री अकाल जी, मैं रमनप्रीत सिंह चावला अज आप जी के रूबरू हो रहा, आप जी को सूचना देने लिए कि चावला परिवार ने प्रतपाल सिंह चावला जी, राजू चावला, उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की है जो कि साढ़े दर्जी ते बीजी की याद में, दर्जी साढ़े कृपाल सिंह चावला ते जीवन कौर चावला साढ़े बीजी उन्होंने याद में एक ट्रस्ट की स्थापना हुई है जिसका नाम जीवन आसरा ट्रस्ट है जी। अज इस ट्रस्ट का पहला एक उपराला किया गया जो कि अखा का फ्री चैकअप किया जा रहा है जी, रौवाली पिंड विखे फैक्टरी केजे स्टील रोलिंग मिल। चैकअप
डॉक्टर रोहन मौरी इनोसेंट हार्ट आई सेंटर उन्हां दी मदद नाल किया जा रहा है, जिस दे विच बहुत सारे अज मरीज जिन्हां नूं अखां दी प्रॉब्लम है, रोग हैं जिन्हें भी कैटरैक्ट है, चिट्टा मोती है, उसका इलाज किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री किया जाएगा। अज के दिन 24 सितंबर को इन्हों का अज स्क्रीनिंग की जा रही है, अज उस तो उपरंत फ्री इन्हों एनक दिखाई जाएगी जी, तो रविवार को आने वाले रविवार को इन्हों इन्हों का ऑपरेट किया जाएगा। उस ऑपरेशन के इनका मोती का नेड़े की नज़र, तो उस तो बाद ऑपरेशन तो बाद इन्हों कोई भी जिहड़ियां दवाइयां हैं फ्री फॉलोअप्स है वो सब फ्री विच किया जाएगा इस ट्रस्ट वालों। ये ट्रस्ट की स्थापना जो गुरु महाराज के हुक्म के अनुसार कहते हैं कि एक इंसान के विच ही रब होता है, तो सेवक को सेवा बनाई उस परमात्मा ने साड़ी ड्यूटी लगाई है कि इंसान के अंदर का एक रब देखिए तो उसकी सेवा करिए। इस ट्रस्ट के बारे मैं तुहानू होर सूचना देना चाहना हाँ जी कि ये ट्रस्ट का अच्छ पहला कैंप है, तो इस तो उपरंत ट्रस्ट होर भी काफ़ी कारज दे विच इनवॉल्व रहेगी, जिमें कि एनवायरमेंट वातावरण वास्ते असी बहुत कुछ करन दी सोच रहे हैं, जो कि तुहानू डिटेल विच बाद विच रूबरू किया जाएगा। उस तो बाद सब तो जरूरी है जी जो एजुकेशन, अज की डेट विच एक एजुकेशन यह जी लोड़ है जो एक हिंदुस्तान को समाज को अगे लेके जाएगी। इस ट्रस्ट के नाल असी उस सारयां नूं फ्री एजुकेशन का भी करांगे, जिसकी डिटेल आप जी नूं बाद विच जिस तरह टाइम आएगा तुहानूं दस देवांगे जी। धन्यवाद जी, सत श्री अकाल। गुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। अज बहुत ही मन खुश हो रहा है कि चावला परिवार जो राजू चावला जी ने अपनी फैक्ट्री दे विच एक फ्री अखां दा चैकअप दा ऑपरेशन दा मेडिसिन दा एक कैंप लगाया, बहुत ही शलाघायोग एक कदम है। परमात्मा ने जे कोई ताकत दित्ती होवे ना तो वो इस तरह के वड्डे काम जिहड़े के गरीबां दी हमायत वास्ते होन, खास कर जिहड़े रोगी हुंदे आ ना उन्हां नूं अखां दी बड़ी प्रॉब्लम हुंदी है, लोड़वंद लोग नूं इन्नी दिक्कत है अज दे समय दे विच कि वो अपने इलाज नहीं करवा सकते। फिर अखां दा जिहदे अखां तों बगैर तां दुनिया च है ही कुछ नहीं, ते ए अज राजू चावला जी ते उन्हां दे परिवार नूं अकाल पुरख वाहिगुरु ने हिम्मत दित्ती है कि वो इस कैंप लगा के और गरीबां दी मदद वास्ते। मैं अज ये जिहड़ी नवी ट्रस्ट है जीवन आसरा ट्रस्ट जो राजू चावला जी ने यह बनाया है, ये जितनी भी यदि तारीफ की जाए थोड़ी है। मैं इस शुभ काम दे विच चावला परिवार को खास कर राजू चावला जी के परिवार को बहुत बहुत बधाई देना हाँ। गुरु महाराज दे होर ताकत बख्शे, इन्हां नूं होर कारोबार चढ़ दियां कलां दे विच जान, ते लोड़वंदां दी मदद हर वेले करन वास्ते तत्पर रहन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फोर्टीज एस्कॉर्ट्स अमृतसर की ओर से फ्रेंड्स ऑफ फोर्टीज का आयोजन किया गया। यह जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा चुके मरीजों के लिए एक स्पोर्ट समूह है। इस स्पोर्ट ग्रुप मीट में लगभग 100 मरीज सम्मिलित हुए। इस अवसर पर डॉक्टर मोहित अरोड़ा, एडिशनल डायरेक्टर फोर्टीज एस्कॉर्ट्स अस्पताल अमृतसर ने बताया कि इस कार्यक्रम में उन मरीजों ने भाग लिया जो अपने घुटनों का रिप्लेसमेंट करवा कर दर्द पर विजय पा चुके थे। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ भांगड़ा के साथ लोगों को जोश और ऊर्जा से भर दिया। डॉक्टर अरोड़ा ने मौजूद लोगों को जॉइंट रिप्लेसमेंट के लाभ और सीमाओं के बारे में बताया तथा संभावित समस्याओं को रोकने के लिए विशेषज्ञ परामर्श दिया। उन्होंने जॉइंट्स को दीर्घकालिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नॉन सर्जिकल विधियों के बारे में भी बताया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आई एम डॉक्टर मोहित अरोड़ा, आई एम डायरेक्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एट फोर्टिस हॉस्पिटल।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਫੋਰਟਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੰਗੜਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟਸ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਟੈਕਨੀਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਐਂਡ ਜਸਟ ਉਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿ ਬਈ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੇ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਲਿਵਿੰਗ ਅ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ US ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਈਵਨ ਉੱਤਰਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਣ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਈਵਨ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਂ US 'ਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸੇਮ ਜੁਆਇੰਟ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੇਮ ਜੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ 1% ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਬਟ ਯੈਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 30-40 ਈਅਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਤੋਂ ਗੋਡੇ ਘਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾ ਸੋਰੀ ਗੋਡੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਸੋ ਦੈਟ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਪਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਫੋਰਟਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਮ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਤਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ ਜਬ ਆਪ ਕਿਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਮੇ ਅਬ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸੇ ਦੂਏ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਮੇ ਅਬ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਪੇ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਡਾਂਸ ਕਰ ਹਮੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੀ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਤੋ ਯਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਯਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਹਮੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇ ਹੀ ਹਮਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੋਰਟਿਸ ਐਸਕੋਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਫੋਰਟਿਸ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਮਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੇ ਤਰਫ ਹਮਾਰੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਤਾ ਕਹੀਂ ਪੇ ਹਮੇ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਮਰੀਜ਼ ਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੇਖੇਂਗੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਾ ਫੀਡਬੈਕ ਕੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਹਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਨੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਤੋ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਉਸਕਾ ਫੋਰਟਿਸ ਮੇ ਭਰੋਸੇ ਸੇ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਕੋ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋ ਭਰੋਸੇ ਕੀ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਡਲ ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋ ਲੇਟੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇ ਲਈ ਫੋਰਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇ ਲਈ ਫੋਰਟਿਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹੀਂ ਪੇ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹਮ ਲੋਕ ਪੀਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਆਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਜੁਆਇੰਟਸ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਏ ਹੈ ਉਨਮੇ ਸੇ ਅਧਿਕਤਰ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਸੇ ਬਲਕਿ ਉਨਕੇ ਵਾਤਾ ਉਨਕੇ ਕਹਿਣ ਚਾਹੀਦੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਦੇਖਣ ਕੋ ਮਿਲਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੋ ਮਾਹੌਲ ਅਗਰ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਲਾਈਵ ਭੰਗੜਾ ਡਾਲਾ ਗਿੱਧਾ ਕੀਆ ਤੋ ਯੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਉਸਮੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟਸ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਲਾਈਵਲੀ ਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਦਰਜਾ ਤਭੀ ਦਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਬ ਉਸਕੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋ ਸੋਲਵ ਕੀਆ ਹੋ ਉਨਕੋ ਇਤਨਾ ਡਰ ਥਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਚਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਥੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਥੇ ਸਿੰਪਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 2-3 ਦਿਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੇ ਕੇਅਰ ਕੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਗਈ ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਨ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇ ਫਿਰ ਸੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀਏ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਓ ਮੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਤੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੋ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣੇ ਕਾ ਦਰਸਾਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਲੋਗੋਂ ਮੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰਾਨੇ ਕੀ ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਰੀਆਈਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਹਾਂ ਕਈ ਇਲਾਜ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸਮੇ ਸੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਆਪਕੋ ਸਹੀ ਰਾਏ ਮਿਲੇ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨੋਂ ਕਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ
50 साल के बाद कभी भी हो सकता है, 60-70 के बाद। सो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका इंसिडेंस या प्रिवलेंस जो है वो बढ़ता जाता है। अब किस एज पे करवाना चाहिए किस एज पे नहीं करवाना चाहिए वो मरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी स्थिति पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पे ये बोलते हैं हम लोग कि जब मरीज़ एक्चुअली में डिमांड करे, मरीज़ को लगे नहीं यार आज मैं उस हालत में पहुँच गई हूँ या पहुँच गया हूँ कि बस मेरे को ऑपरेशन करवा लेना चाहिए क्योंकि मेरी तकलीफ इतनी बढ़ गई है, उस दिन वो ऑपरेशन करवाने आए, यहाँ पर ऑपरेशन कराए, बेस्ट ट्रीटमेंट लेके वो घर जाएगा। श्री ब्राह्मण सभा एवं समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से बरनाला के त्रिदेव धाम मंदिर श्री ब्राह्मण सभा सरकारी अस्पताल के पीछे वाली गली में भगवान श्री वामन प्रकटोत्सव बड़ी ही श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाया गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए श्री ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष अनिल दत्त शर्मा ने बताया कि शनिवार को प्रातः 9:15 पर श्री रामचरित मानस का पाठ आरंभ किया गया और रविवार को प्रातः 9:30 श्री रामचरित मानस के पाठ का भोग डाला गया, जिसके बाद भजन गायक मनीषी दत्त शर्मा ने अपनी मधुर आवाज में भजन सुनाकर भक्तों को नाचने के लिए विवश किया, जिसके उपरांत आरती की गई। इस दौरान आए हुए सभी भक्तजनों के लिए विशाल भंडारा लगाया गया। अनिल दत्त ने बताया कि पूजन की रस्म ओएसडी कैबिनेट मंत्री हसनप्रीत भारद्वाज ने अदा की। इस मौके पर बजरंग दल के नीलमणि समाधिया मक्खन शर्मा, बीरबल ठेकेदार श्री ब्राह्मण सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन कौशल, महासचिव हितेश कौशल, कोषाध्यक्ष पीडी शर्मा, प्रचार मंत्री भूपेश शर्मा, विमल शर्मा, यशपाल शर्मा, परमिंदर शर्मा, गोपाल शर्मा, तेजेंद्र रिक्की, राजेश बबलू सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। श्री बावन द्वाश के पर्व पर श्री ब्राह्मण सभा बरनाला ने रामचरित मानस का ये पाठ समापन हुआ है। उसका ब्राह्मण सभा बरनाला हर वर्ष इस पर्व को मनाती है रामचरित मानस के पाठ के साथ। इसके अलावा परशुराम जयंती और महाशिवरात्रि का त्यौहार भी श्री ब्राह्मण सभा में मनाया जा रहा है। इस बार और भी धूमधाम से ये पर्व मनाया गया है। सभी ब्राह्मण बंधुओं ने बड़े उत्साह और बड़ी श्रद्धा के साथ इस समारोह में भाग लिया है। सभी शहर की धार्मिक संस्थाएं और धर्म से ताल्लुक रखने वाले सभी लोग, उनका सहयोग हमें इस पर्व में मिला है। आगे भी हम ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए और पूरे समाज के उत्थान के लिए ऐसे ही कार्यशील करेंगे। अमृतसर के अखाड़ा निर्वाणसर में महंत सुखदेवानंद महाराज के सानिध्य में भगवान श्री चंद जी की 529वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर महंत सुखदेवानंद महाराज द्वारा मानवता के कल्याण के लिए हवन यज्ञ किया गया और श्री रामचरित मानस के पाठ का भोग भी डाला गया, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महंत सुखदेवानंद द्वारा भगवान श्री चंद जी के जीवन व उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया गया और कहा कि हमें अपने भीतर ही प्रभु को ढूंढना चाहिए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। आज हमारे अखाड़ा निर्वाण सर लक्कड़ मंडी में भगवान श्री चंद जी का 529वां जन्म दिहाड़ा बड़ी धूमधाम एवं श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस जन्म दिहाड़े के उपलक्ष्य में 23 तारीख को हमने श्री रामचरितमानस का पाठ रखा। 24 तारीख को सुबह 10 बजे श्री रामचरितमानस का भोग डला और उसके बाद पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति के बाद में आरती पूजा करके और सभी प्रेमियों को भंडारे का टूट लंगर जो बरताया जाएगा। जय श्री चंद्र। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान करतारपुर गुरुकुल के अध्यक्ष ध्रुव मित्तल, डॉक्टर आर्य अनुज और साधना कुमारी ने यज्ञ वेदी पर उपस्थित होकर विशेष आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर यज्ञ ब्रह्माचार्य सुशील आर्य ने पवित्र पावन वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ को संपन्न करवाया।
आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायिका सोनू भारती और रवि पौडवाल ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी याज्ञिक परिवारों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारी लाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, जसविंदर कालिया, बैजनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हम सभी इनके विचार यदा कदा ही आर्य समाज के मन से सुनते हैं और हमने अक्सर इन महानुभावों के विचारों को जब हम फॉलो करते हैं तो हम अपने जीवन में सुधार लेकर आते हैं। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि डॉक्टर अनुज आर्य, उनकी धर्मपत्नी, अपने परिवार सहित और सभी बंधुओं के साथ यहाँ इस आर्य समाज के पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित हुए हैं। आचार्य जी ने बहुत ही शुभ भाव से चारों वेदों के मंत्रों द्वारा और स्वाहा स्वाहा की रुचियों द्वारा आज ये यज्ञ संपन्न कराया। हम सभी इस यज्ञ के धारक बने, हम सभी ने इस यज्ञ को सुना और जिन्होंने भी इस यज्ञ की वेदी में इस हवन कुंड पर जो आहुतियाँ डाली हैं, परम पिता परमात्मा से यह मंगल कामना करता हूँ कि परम पिता परमात्मा उन सभी परिवारों की मंगल कामनाएं पूरी हो। बहुत ही मार्मिक प्रवचन सुना, धर्म की उन्होंने पूर्ण रूप से व्याख्या आपके सम्मुख रखी। आर्य समाज में इस तरीके के विद्वानों के विचार हमारे को मिलते रहते हैं जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए बहुत ही प्रभावी ढंग से हमारे में परिवर्तन लाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे को सत्संग करने को मिलता है। अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारे मन में उसी तरीके के भाव पैदा होते हैं और जो उन्होंने पहले कथा बताई कि धर्म को ना छोड़ो तो बाकी सब कुछ वापस आ जाता। धर्म के ऊपर चलते रहने से आपको कुछ देर के लिए दिक्कत हो सकती है लेकिन उसकी वजह से जितनी आपकी चीजें हैं वो आपको वापस आती है। जिसमें हम वर्णमाला से लेकर के और शास्त्रों के अध्ययन तक का जो क्रम है उस क्रम को निरंतर बताते हैं और पढ़ाते हैं। यदि कोई भी महानुभाव हमारे बीच से शास्त्रों को समझना चाहता है, स्तोत्रों को पढ़ना चाहता है, वेद को समझना चाहता है, जैसे श्रीमान आचार्य जी ने कहा कि हमको सद्विद्या का अध्ययन करना चाहिए, पुराणों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उसके लिए जो उसकी भाषा है वो संस्कृत है। कई बार हम क्या करते हैं, गीता की पुस्तक उठा लेते हैं पढ़ने के लिए और संस्कृत समझ में नहीं आती है और पुस्तक को उठा करके फिर रख देते हैं, फिर दोबारा नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा नहीं उसकी समझ आ रही है। तो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन सभी की भाषा संस्कृत भाषा है। यदि संस्कृत भाषा की कुछ बारीकियों को हम समझ जाते हैं तो हमको संस्कृत पढ़ने में सरलता और सुगमता होती है। यदि आप में से कोई अधिक जान, अभी समय का अभाव है इसलिए मैं कम ही बोल रहा हूँ, यदि आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, एक मैं आपको पंपलेट दूंगा, उसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है, गुरुकुल का भी उसमें नंबर लिखा हुआ है। आप अधिक जानकारी के लिए गुरुकुल के प्राचार्य श्रीमान उदयन आर्य जी से संपर्क कर सकते हैं अथवा मेरे से संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। परंतु सर्टिफिकेट कोर्स जो है उस कोर्स का शुल्क भी उसमें निर्धारित है और कोर्स जो है पूरे साल भर का है। यदि आप सर्टिफिकेट कोर्स को कर लेते हैं उसके बाद आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप शास्त्री आचार्य इत्यादि विषयों को भी कर सकते हैं। घर उस विशेष क्या है कि मुख्य यजमान जो हमारे बीच में आ रहे हैं जी, धर्मपत्नी साधना जी, पूरे परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ, मूल रूप से बिहार से हैं, एनआईटी में वो ये प्रोफेसर हैं
डॉक्टर हैं और बहुत ज्ञान इनके अंदर है। वक्त आएगा इनसे ज्ञान वर्धक बातें सुनेंगे, क्योंकि आर्य समाज के स्थापक तो पूरा परिवार आर्य परिवार है। तो मैं इनका बहुत अभिनंदन करता हूँ यहाँ पर आकर के। उन्होंने जोशी जज की हमारा जो लगातार पिछले 8 साल से हर रविवार का नया यजमान यहाँ पर बैठे आकर के, उस कड़ी को आपने आगे जोड़ा है। इसी प्रकार हमारे अगले सप्ताह के जो यजमान होंगे वो भी मुंबई से विशेष करके यहाँ जलंधर आ रहे हैं रविवार को। और कमिश्नर थे वहाँ पर मुंबई में, उनके सपुत्र भी 50 वर्ष की आयु हुई है। वो आर्मी में बहुत उच्च पद पर कार्यरत जम्मू में आई तो पहुंचते गए। उन्होंने विचार किया कि 50वीं वर्षगांठ में जब अपने विवाह की वर्षगांठ इसी आर्य समाज में मनाऊंगा। बड़ा सौभाग्य है आपको, आप सभी को जानता है कि आपके जो सहयोग से इतना सुंदर आयोजन जो मीडिया द्वारा हमारे हंसा चैनल से जो पूरे भारत के देश में भी इनका चैनल चलता है, लोग देखते हैं कि आर्य समाज में किस प्रकार का कार्यक्रम होता है। उस कड़ी को कभी उनको मैं उनको बधाई पाती पात्र है उसकी चीज। और हम जब लाइव चलाते हैं तो उससे कहीं पता चलता है कि यहाँ आर्य समाज है। तो आर्य समाज का काम लोगों को जोड़ना है, लोगों को जोड़ रहे हैं, परिवार को जोड़ रहे हैं। तो आर्य यज्ञ भी हमें इधर वम की भावना, यज्ञ क्या कहता है इधर वम मेरा नहीं, अब यज्ञ करें। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। तो आज हमारे बीच आचार्य जी ने भी बहुत सुंदर विचार दिए। जालंधर के गुरु रामदास नगर स्थित दैनिक सवेरा के कैमरामैन नवीन कुमार के निवास स्थान पर गणेश उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बिल्ला डक्स एंड पार्टी ने श्री गणपति जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण, माँ कालिका की सुंदर झांकियां भी पेश की गई। इस अवसर पर सीमा, चेतन, अनु, सचिन, प्रीति, गैरी, नैना, अनमोल, वंश, दिनेश, लव, पवन भगत सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। I'm gonna go.
उदासीनाचार्य भगवान श्री चंद महाराज के 529वें जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में अमृतसर के उदासीन आश्रम अखाड़ा संगलावाला चौक घंटाघर में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्तजनों व संत महापुरुषों ने पूजा अर्चना की। भजन गायक राजीव भाटिया ने बाबा जी के भजन गाकर भक्तों को निहाल किया। इस अवसर पर दिव्यंबर महाराज ने भगवान श्री चंद जी के जीवन व उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया और कहा कि हमें उनके द्वारा दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज उदासीन आश्रम खड़ा संगलवाला में श्री चंद जयंती महोत्सव, जो भगवान श्री चंद जी का 529वां जन्म महोत्सव, बड़े धूमधाम के साथ अखाड़ा संगलवाला में मनाया गया। और आचार्य श्री चंद जी का बहुत ही परम उद्देश्य था, चेतव नगरी तारह गांव अलख पुरुष का सिमरव नाम, यानी धर्म की चेतना प्रचार प्रसार और आम जनमानस के लिए सुख शांति ले बहुत ही सुंदर रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया, उसको अपनाने की आज जरूरत है जिससे मानव जीवन सुखी रहे। जय श्री चंद। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बरनाला में दिन दिहाड़े पिस्तौल की नोक पर हुई लूट घटना सीसीटीवी में हुई कैद। अमृतसर के छरटा में दहेज की बलि चढ़ी एक और विवाहिता, माइका परिवार ने ससुर परिवार पर तेजाब मिलाकर मारने के लगाए आरोप। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।